कटो कल्याण बोर्ड व राजस्थान राज्य धानका कल्याण बोर्ड व राजस्थान राज्य चित्रगुप्त कायस्थ कल्याण बोर्ड शामिल है। जयपुर के जवाहरनगर स्थित एमपीएस स्कूल के तक्षशिला ऑडिटोरियम में कल 8 अक्टूबर को साधु वासवानी मिशन की प्रमुख दीदी कृष्णा का दिव्य सत्संग कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। जयपुर के टोंक रोड स्थित होटल में आज कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन किया। इस दौरान दीदी कृष्णा और कार्यक्रम संयोजक उद्योगपति मोहन गुरनानी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं इस दौरान प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए साधु वासवानी मिशन के प्रमुख दीदी कृष्णा ने बताया कि इस कार्यक्रम में दिव्य सत्संग के तहत लोगों से मिलकर सत्संग के माध्यम से भक्ति के दिव्य भाव को आत्मसात करने की सीख दी जाएगी। वहीं काजल चंद्रानी भी सिंधी भजनों पर अपनी प्रस्तुति देगी। का सत्संग कार्यक्रम है, इसका मुख्य बिंदु क्या रहेगा, कितने लोग इसमें शामिल होंगे, आप किस तरीके से लोगों से इंटरेक्शन करेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? हमारा यहाँ जयपुर में आने का यही उद्देश्य है कि हम एज मैनी पीपल एज वी कैन रीच आउट टू, वी मस्ट रीच आउट, उनसे हम मिले और उनको हम उनसे पहले हम सीखें, क्योंकि हर एक इंसान में, जैसे मैंने कहा कि खुद प्रभु विराजमान है, हर एक से हमें सीखना चाहिए और हम उन्हें तीन बातों के लिए ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे। पहली बात, अपना दिन शुरू करो प्रभु से, अपना दिन शुरू करो ग्रैटिट्यूड से, अपना दिन शुरू करो पॉजिटिविटी से, सकारात्मक विचारों से अपना दिन शुरू करो, क्योंकि एज वी बिगिन आवर डे वी विल स्पेंड आवर डे। दूसरी बात, जो भी होता है उसको आप रिजिस्ट मत करो, जो भी होता है उसे आप कबूल करो, क्योंकि जब हम कबूल करते हैं तो हमारे अंदर जो शक्ति है वो उजागर होती है और फिर कोई भी परिस्थिति आए हम उसका सामना कर सकते हैं। और तीसरी बात कि हम यहाँ इस पृथ्वी पे आए हैं सेवा करने के लिए, ये पृथ्वी है कर्म भूमि, यहाँ आकर हम सबको एक ही काम करना है, हर एक की सेवा करनी है, मनुष्यों की, पशुओं की, पक्षियों की, पर्यावरण की, सबकी हमें सेवा करनी है। यही तीन संदेश हम यहाँ देने आए। क्रम है महेश्वरी पब्लिक स्कूल सेक्टर नंबर 4 जवाहरनगर में होगा और इसका टाइम है शाम को 5:45 को हमारे गेट खुलेंगे। सबसे पहले एक हमारे सिंधी के अंदर प्रोग्राम होगा जो काजल चंदी रामानी जो गात है वो हमारी एक तरीके से लता मंगेशकर सिंधी में, उनकी जो आवाज़ बहुत मीठी है उनका प्रोग्राम होगा। उसके बाद में फिर हम लोग दीदी का स्वागत करेंगे, उसके बाद में दीदी प्रवचन देंगी। जो ये सेंटर है जहाँ पे ये हॉल है ये करीब 960 से 980 लोगों का बैठने का है, कुछ हमने सोफे वगैरह लगा के इसको करीब 1000 लोगों के लिए किया है। जयपुर के बांकरोड़ा क्षेत्र में डीपीएस स्कूल में आज शिखर धवन ने देवयानी जयपुरिया स्पोर्ट्स एकेडमी के सहयोग से डीपीएस जयपुर में अपनी स्पोर्ट्स एकेडमी दावन